वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जाने वाले गोवा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं। और मेरा गला थोड़ा बैठ गया है ना, तो मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। किधर घूमने चाहिए ना, तो ऐसा ही होता है सब। ये देखो, ये हमारी पूरी पैकिंग हो गई है। बाप रे, ये ब्लैक वाली बैग मेरी है और मैं बहुत वजन हो गया है मेरे कपड़ों का। और हम लोग जाने वाले साउथ गोवा। साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा अलग अलग है। और अभी हम बदलापुर में रहते हैं। बदलापुर से ठाणे के लिए हमारी ट्रेन है 9:30 की। और उसके बाद साउथ मतलब साउथ गोवा मडगांव को जाने के लिए हमारी ट्रेन है 11:30 की। तो अभी तो हम निकलने वाले हैं। चलो बाय बाय। आपको मैं बताना भूल गई कि मेरे पापा, उनके दो दोस्त हैं, उनकी फैमिली भी आने वाली है और बहुत एंजॉयमेंट होने वाला है। पूरा ग्रुप के साथ जाने के लिए बहुत मजा आता है। और अभी मिलते हैं ट्रेन में। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच गए ठाणा स्टेशन में और अभी हम जाने वाले ट्रेन से। तो ये मेरे पापा की फ्रेंड है और ये पूरी फैमिली है, स्कूल फ्रेंड। देखो, हमारी ट्रेन है और ये पूरी खाली है। ये तुषार ने पूरी बोगी बुक कर दी है, पूरी बोगी बुक कर दी से गोवा के लिए। तुषार से हाय। हेलो, हाय। ये निर्मिति है, ये आदित्य, और ये है प्रियांशु, ये सुजन, ये है हनीमून कपल, ये है हस्बैंड के दोस्त और इनकी बीवी माधुरी। माधुरी आप भी भाभी जी खींच रही हैं। ये है सुभाष जी, अच्छा खींच रही जो आशीर्वाद दे रहे हैं। कल से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये है उनकी बीवी, क्या नाम है भाभी जी आपका? दीप्ति। ये मेरी बेटी जिसका व्लॉग मैंने छीन लिया है, वो करने वाले हूँ मैं, स्वाति ताम। बाय, तो मिलते हैं मडगांव स्टेशन पे, ठीक है? बाय। अभी हम पहुंच गए मडगांव स्टेशन, तो अभी हम जाएंगे हमारे होटल पे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो हमें मास्क लगाना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, वो हमें होटल तक लेके जाएगी। मैं आपको सब हिसाब किताब बताती हूँ। हमें लगा था कि बहुत देर होगा, पर हम जल्दी पहुँच गए। अच्छा है, जल्दी पहुँच गए, बहुत ज़्यादा घूमने को मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इधर हमें उन्होंने पूछा है कोविड टेस्ट के लिए। बच्चों को कुछ नहीं पूछा, बड़ों के लिए दो कोविड वैक्सीनेशन का वो यूनिवर्सल पास का पूछा था, तो सबने दे दिया। चार्जिंग फॉर कार, कारें नहीं मिल रही है, इधर टैक्सी है बहुत सारे। अभी हम आ गए हैं, पर अभी गाड़ी के लिए सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे जन है ना। तो ये देखो, हाय आदित्य। तो अभी हम निकल गए सेंट जोसेफ स्कूल की तरफ और ये गाड़ी हमने हायर की है 200 के लिए। और सेंट जोसेफ के सामने हमारा होटल है, मतलब बंगलो है। चलिए चलते हैं। उनका जो पहले का कस्टमर था वो अभी चिपट हुआ है, तो हम अंदर सामान रखने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। गाइस, तो अभी हम आ गए उड़ीपी होटल में नाश्ता करने। इधर नाश्ता प्लस लंच, दिस इज ब्रंच। हाँ, तो इधर एसी है, मस्त एसी में बैठे हम लोग। हाय सुजन, अभी हम करेंगे नाश्ता और पेट भर के भूख लगी है मेरे को।
अभी हमारा खाना खा के हो गए तो अभी हम बाहर आ गए, नाश्ता करके आ गए, तो अभी हम जाएंगे रूम टूर करने। तो मैं अंदर आ गई हूँ, बहुत बड़ा है, सब लोग बैठ गए। हे गाइस, आज मैं आपको कराने वाली हूँ हमारा जो बंगला है उसका रूम टूर कराने वाली हूँ। पहले आपको मैं हमारा बंगला बाहर से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बड़ा बंगला है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये देखिए मेरी मम्मी, और अंदर आते ही इधर एक बेसिन दिखता है आपको, एक बेसिन है इधर, और ये है किचन। किचन में आपको बहुत सारे कुछ है, ये देखिए आपको फ्रिज दिया हुआ है, किचन के इधर ही बाजू में वॉशिंग मशीन भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे ओवन भी दिया हुआ है, ये गैस है, इधर सब यूटेंसिल्स है, वहाँ पे केटल भी दिया हुआ है आपके लिए। और ये देखिए जैसे कि आप पानी के बॉटल देख सकते हैं, ये आपको कस्टमर को पहला फ्री मिलता है, बाद में आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है एक बॉटल के लिए। और ये ग्लासेस वगैरह है, ये देखो आपको इधर आयरन भी दिया हुआ है और आयरन टेबल भी है। और ये है आपका फर्स्ट रूम, फर्स्ट बेडरूम है, तो ये भी बहुत स्पेशियस है और बड़ा है। ऐसे और दो है, वो ऊपर है, मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, सामने शादी है, और ये है वॉशरूम। जैसे कि आप वॉशरूम देख सकते हैं, क्लीन है वॉशरूम, और आपको गीजर भी दिया हुआ है। और अभी चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। ये देखिए यहाँ, और ये देखिए यहाँ पे हमें वाईफाई भी मिलता है, वाईफाई कनेक्ट करके आप वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स दिए हुए हैं, उधर से ऊपर जाएंगे, चलिए ऊपर चलते हैं। अभी चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ओपन बालकनी भी देखी रखी है, और यहाँ पे आपको कपड़े सुखाने के लिए क्लोथ ड्रायर स्टैंड भी दिया हुआ है। और अभी चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। ये देखिए, ये रूम भी बहुत स्पेशियस है, इसका बालकनी तो देखो कितना बड़ा है। ये रूम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी एसी दी हुई है, मैंने जो पिछला रूम दिखाया था उसमें भी एसी दी हुई थी, यहाँ पे आईना भी है। और ये देखिए हैंगर भी देखे रखा है, और टॉवल भी है, और जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं बेडशीट्स है, अगर इसमें कोई जन नहीं आ सके तो बेडशीट नीचे डाल सकते हैं। यहाँ पे से भी व्यू बहुत अच्छा है। और अभी चलते हैं तीसरे रूम की तरफ, थर्ड रूम। ये रूम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये रूम भी बहुत स्पेशियस है, और ये रूम में आपको कबर्ड भी दिया हुआ है। और ये देखिए ये रूम, इसमें भी एसी है, बहुत अच्छा है रूम। और आपको सारी पानी मतलब वॉशरूम वगैरह पानी की भी सुविधाएं दी हुई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये रूम लेने के लिए, ये रूम बहुत अच्छा है। फिलहाल हम लोग ने तो ये एयरबीएनबी से लिया था, तो अभी चलिए चलते हैं। तो और ये देखिए यहाँ पे हमें वाईफाई भी मिलता है, वाईफाई कनेक्ट करके आप वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये था मेरा रूम टूर, और ये बंगलो बहुत अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये बंगलो में आने के लिए। और भी चलिए चलते हैं। ये पूरा विला हम लोग को पड़ा था 4,500 में। एयर विला का नाम बता सकते हैं एक बार? विला का नाम है साउथ साइड पैराडाइज, बंगलो नंबर 4। तो गाइस, इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, वो भी देखिए। गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं मजोड़ा बीच, और
उधर से आते हो भी दो तीन बीच है, उधर भी हम जाएंगे। चलिए चलते हैं। हाय गाइस, तो अभी हम आ गए नवतारा होटल के सामने, और जैसे कि आपको ये पीछे बोर्ड दिख रहा है उसमें लिखा है अर्ली बर्ड ऑफर। अगर आप 50% ऑफ है उसमें, अगर आप 100 रुपये का नाश्ता करेंगे तो आपको 50% ऑफ मतलब 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। 8 से 9 का टाइम है, उसमें ही आना पड़ेगा। ज़्यादा गर्दी नहीं रहती है मॉर्निंग के 8 से 9, तो इधर आएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम लोग इधर आए नाश्ता करने नहीं आए, तो फिलहाल तो हम लोग इधर एक गाड़ी आ रही है वो चेंज करने आए, और प्लान में थोड़े चेंज हो गए। हम लोग जिधर जाने वाले थे कोलवा बीच, उधर नहीं जा रहे, उधर कल जाएंगे शायद। आज हम लोग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। जितना भी बिल होगा उसका हाफ आपको प्राइस पे करना पड़ेगा नवतारा होटल। हाँ, ये टाइमिंग है ना 8 to 9 AM का है। हाँ तो गाइस, हम लोग आ गए मजोरा बीच पर, बहुत शाम हो गई है यार। मजोरा बीच धुंध धुंध के हमारा सिर खराब हो गया, ठीक है, पर अभी आ गए, बहुत अच्छा बीच है। तो हम मजोरा बीच के अंदर आ गए, और ये देखिए इधर वो डिस्को है, और ये देखिए इधर भी बहुत अच्छा है सिटिंग अरेंजमेंट, और होटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। और ये बीच बहुत अच्छा है, बीच आई लाइक इट सो मच। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तो आप लोग इधर आइए, और ये बीच बहुत अच्छा है, इधर आप आ सकते हो फैमिली के साथ, और अलोन भी आ सकते हो। गर्ल्स के लिए भी एक कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप आ सकते हो। हाय, तो कैसे मेरा पहला व्लॉग था, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।